पूरे देश भर में ईद उल अजहा की धूम मची हुई है। ऐसी ही धूम जनपद संभल की चंदौसी तहसील क्षेत्र में भी देखने को मिली, जहां पर ग्राम पत्रोआ में बने पड़े ईदगाह में आज सुबह हजारों की संख्या में नवाजियों ने ईद उल अजहा में अदा की। इस दौरान प्रशासन की ओर से वहां पर सुरक्षा के लिए पुलिस की भारी व्यवस्था थी और नगर पालिका परिषद ने साफ सफाई की उचित व्यवस्था की थी। इस दौरान वहां पर नगर पालिका परिषद की तरफ से टेंट भी लगाया गया था। इस मौके पर शहर इमाम ने कहा कि वह उन लोगों से अपील करते हैं जो कुर्बानी दे रहे हैं, वे साफ सफाई का खास ध्यान रखें और इधर उधर कुछ भी ना फेंकें। मुबारक मौके पर आपने इसकी नमाज पढ़ाई है, क्या कहेंगे जनता को? सबसे पहले अपने शहर के और अपने मुल्क के तमाम लोगों को आज ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज के दिन का जो एक मकसद है, मकसद ये है कि यकजहती और भाईचारगी कायम रखी है। मैं पूरे शहर के आवाम से ये अपील करूँगा कि हमारे शहर का जो भाईचारगी का एक माहौल रहा है पुराना, उसको कायम रखा जाए और किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए। जो अफवाहें सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक या जो भी अदर साइट्स हैं उनके ज़रिए जो अफवाहें फैलाई जाएँ, तो खुदारा कोई भी उनको माइंड ना करे और अपना जो आज का टारगेट है रब की बारगाह में इबादत करना, रब की बारगाह में हदीए कुर्बानी पेश करना, हम सब लोग उसको फॉलो करें और उनके बताए हुए हिसाब से तरफ चलने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मैंने फरमाए मैंने पालिका की तरफ से ये साफ सफाई से लगा के टैंक का जो भी है सारा जो है बैठने का इंतजाम और ये चेयर सारी चीज़ें लगाई गई हैं। इसके साथ ही साथ पूरे शहर की साफ सफाई स्पेशल तरीके से कराई गई है, जिससे आज का जो है ईद का त्यौहार और आज सावन मास का अंतिम सोमवार भी है, दोनों बेहतर तरीके से मनाया गया। ईद पर हम सभी अपने चंदौसी तहसील वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ ईदगाह में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है, जैसा बैठे मैडम बगल में नगर पालिका की ओर से पर्याप्त साफ सफाई व्यवस्था की गई है। और सर क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देना चाहिए, सभी को मेरी तरफ से ईद की शुभकामनाएं।